खबर यूपी के कानपुर नगर से है, जहां कचहरी परिसर से एक युवक को जबरन ले जाने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को जनता ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए व्यक्ति और पीड़ित पर लेन देन का विवाद है। कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक छिबरामऊ निवासी ऋतिक गुप्ता का मुरैना निवासी युवक के साथ व्यापार था। गत मार्च माह में उसने अपने साझीदार से 1,00,000 रुपया लिया था, जिसका वो अपने पार्टनर को कोई हिसाब नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर दोनों युवकों के मध्य विवाद हो गया। पिछले कुछ दिनों से ऋतिक गुप्ता अपने साझीदार से मिल भी नहीं पा रहा था, ना ही उससे बात कर रहा था। आज ऋतिक गुप्ता मोटर दुर्घटना के एक मामले में कानपुर कचहरी आया था। ये जानकारी पाकर मुरैना निवासी उसका साझीदार भी यहाँ आ पहुंचा। रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर दोनों का आमना सामना होने पर मुरैना निवासी युवक अपने भागीदार को हिसाब किताब करने के लिए जबरन ले जाने के लिए कार में बैठाने लगा। इस पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये देख कचहरी के बाहर स्टैंड लगाने वाले युवकों ने मारपीट कर रहे युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लाकर मामले की छानबीन कर रही है। ACP कोतवाली ब्रिज नारायण सिंह ने जानकारी दी कि जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छिबरामऊ पड़ता है कन्नौज में, वहाँ का एक लड़का है, नाम है ऋतिक उसका। तो उस लड़के का जो है कुछ लेन देन को लेकर कुछ लोगों से विवाद था। ये लड़का आज कचहरी में जो है किसी अपने केस के सिलसिले में आया हुआ था, और इसी दौरान जो है पहले से जिनका विवाद था उसी से कचहरी के बाहर जो है इसके साथ कुछ हाथापाई हुई है। प्रकरण के संदर्भ में तहरीर अभी वो पीड़ित पक्ष दे रहा है, इसलिए तहरीर प्राप्त कर जो भी आरोप होंगे उसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से प्रज्ञा यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।